फाइनली यूपी के टेट 2024 के काउंसलिंग का भी टाइम आ चुका है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको चॉइस प्रिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। पूरा क्या प्रोसेस है आज की इस वीडियो में जानने वाले। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पे आओगे तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग लॉगिन। उससे पहले मैं चलता हूँ शेड्यूल पे और एक बात बता देता हूँ, यार नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि यूपी कैटेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाऊंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले एक बात बता दूं, हम शेड्यूल देख के बता देता हूँ। शेड्यूल आपका है, आपका जो लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एंड फीस जमा करना, वो आप 21 जुलाई से 23 जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। 23 जुलाई शाम 5 बजे तक आपने पेमेंट नहीं कटवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग होगा वो आपका 22 से 24 जुलाई होगा। अब काफी बच्चे आज ही रजिस्ट्रेशन करके चॉइस प्रिफरेंस फिल करके उनको लॉक करने की सोचेंगे तो नहीं होगा। कल 5 बजे के बाद में आप जो भी चॉइस प्रिफरेंस लॉक करोगे उसका प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट लेने के बाद में वहां एक पीडीएफ अपलोड करनी होती है, उसी प्रिंट आउट को वहां अपलोड करना होता है। ठीक है, तो वो कल 5 बजे के बाद में होगा। कल 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करके चॉइस प्रिफरेंस का प्रिंट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको 23 तक करना, 23 के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो, चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, वहां पे हम चॉइस प्रिफरेंस फिल करके देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे। एक बात बता दूं कि अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी दिक्कत आती है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसा चॉइस प्रिफरेंस आपको भरना चाहिए, कौन सा कॉलेज पहले भरना चाहिए, कौन सा कोर्स पहले भरना चाहिए, ये बहुत सारे तमाम प्रकार के बच्चों के डाउट है। तो उनके लिए हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। जिन बच्चे को पेड काउंसलिंग की जरूरत है वो हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरे काउंसलिंग तीनों राउंड का प्रोसेस है काउंसलिंग का, वो हम कंप्लीट करके देंगे, जिसमें ना मात्र 500 रुपए की फीस रखी है। तीनों राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस और भी कॉलेज प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। सो यार जो भी इंटरेस्टेड बंदा है तो उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई एग्री करके आगे के लिए प्रोसेस है वो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजी कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। जो बच्चे बीबीएससी के लिए पहले काउंसलिंग कर चुके हैं, जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उन बच्चों को वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको लॉगिन करना है। लॉगिन मतलब आपको अपने पास मतलब अपने पासवर्ड डालने हैं, अपने रोल नंबर डालने हैं और उसके बाद में लॉगिन करके आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको फी पे करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे आपको क्या डालना है। अपना पीसीबी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया या फिर जो भी आपका ग्रुप है, लेकिन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है बीबीएससी के लिए वो वापस से अपनी आईडी को लॉगिन ही करें, न्यू रजिस्ट्रेशन मत करें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आना है और यहाँ आपको मिलेंगे आपके रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने रोल नंबर डाल देने हैं। अब रोल नंबर कौन से डालने हैं, जैसे भाई किसी के कोई भी रोल नंबर है, एक्स वाई जेड रोल नंबर डाल के आपको यहाँ पे सारी चीजें सेलेक्ट कर लेनी, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो सिक्योरिटी आंसर पूछा जा रहा है वो आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आता है, वहां पे आप एक सेकंड, यहाँ पे एकदम आपको सही से पासवर्ड वगैरह डालना है, गलत मत डालना, अगर गलत डालोगे तो आपका चॉइस प्रिफरेंस होगा नहीं। यहाँ पे लिखा आ रहा रोल नंबर नॉट फाउंड कोर्स ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ आपको वापस से फिल करना होगा, जैसे मान लो यहाँ डेट ऑफ बर्थ में कभी कभार गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ आपको जो सिक्योरिटी कोड डालना है कुछ भी गलत मत डालना, फिर आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपके ये मोबाइल नंबर है कि लास्ट दो नंबर मोबाइल नंबर है, इनके ऊपर आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप ओटीपी जनरेट करोगे, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओटीपी भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, आपका ओटीपी है वो एंटर करना है। मैं यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा वेट करिए। जैसे आप ओटीपी डालोगे तो आप अगले प्रोसेस के लिए चले जाओगे और उसमें आपको क्या करना होगा, अपने पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। अब पासवर्ड कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यार चॉइस प्रिफरेंस एक ऐसा पार्ट है तुम्हारे काउंसलिंग का, यहाँ आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा है, 2 मिनट के अंदर अंदर आपके पास में ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालना है। जब भी ओटीपी आएगी मैं पिन करके आगे की ओर चलूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, चॉइस प्रिफरेंस में कोई भी बच्चा गलती ना करे। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल रहा है, सेकंड राउंड के लिए 500 रुपए और से दो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किसी को क्रिएट नहीं करनी है।
अच्छे से चॉइस प्रिफरेंस भरना है। और यार ₹500 फीस है, ई मित्र कैपे वाले से भरवाओगे, उससे PDF अपलोड करवाओगे, उससे अच्छा सारा प्रोसेस हम आपको करके देंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत सारे गूगल मीटिंग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प मिलेगी। सो यार जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको पेड प्रोग्राम है, वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। थोड़ा वेट करिए, जैसे ही मेरे पास OTP आएगी मैं OTP डाल के आगे की ओर बढ़ूंगा, ठीक है? या मैं OTP डाल देता हूँ, ये मेरे पास में जो OTP आई है, ओके अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ OTP को। ये OTP अगर करेक्ट होगी तो हमारा है वो, ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही हमने OTP वेरीफाई किया तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। अब आता है क्रिएट पासवर्ड। अब पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आपके नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है? पासवर्ड डालने के बाद में आपको लिखा आ रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, यहाँ आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन फीस है वो पेंडिंग है, आपको क्या करना है यहाँ पेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप पेंडिंग के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे, तो अभी आपके लिए फीस है वो कटेगी नहीं। जैसे ही टाइम होगा तो उसके बाद में आपका ये फी है वो कट जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप फी कटवाओगे तो उसके बाद में आपको जो मतलब इंटरमीडिएट 12th का रिजल्ट था वो फिल करना है। इसमें आपके 12th में कितने में से कितने मार्क्स आए थे वो सारे मार्क्स फिल करने हैं। जैसे ही आप मार्क्स फिल करोगे तो सीट चॉइस का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आपको सीट है वो चॉइस फिल कर लेना है, ठीक है? अभी आपने अपना अकाउंट बना लिया है, जैसे ही आप एक बार लॉग आउट करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है? आप लॉग आउट करोगे तो अभी आपके पास में टाइम नहीं है, मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है लाइक अभी जैसे थोड़ा तुम्हारा टाइम ज्यादा हो जाएगा या फिर 11 बजे के बाद में कभी भी तुम ट्राई करोगे तो ये तुम्हारा सक्सेसफुली हो जाएगा, पेमेंट भी तुम कटवा सकते हो। लेकिन चॉइस प्रिफरेंस का ऑप्शन आज आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कल ही करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ मैं एक पासवर्ड डाल के वापस से वो ट्राई कर लेता हूँ अभी जो मैंने आपको बताया है, ये मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में हम वापस एक बार ट्राई करके देखते हैं। लॉगिन डाला तो लॉगिन हो गया, ठीक है? लेकिन फिर से आपको यही दिखा रहा है पेंडिंग। रजिस्ट्रेशन फीस जब ऑप्शन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको फी पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे जाके आपका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है कंप्लीटली फीस कटवा के। उसके बाद में आपको 12th के मार्क्स भरने हैं, मार्क्स भरने के बाद में चॉइस प्रिफरेंस करके आपको आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है? ये प्रोसेस था। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है चॉइस प्रिफरेंस से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें नाम मात्र आपकी फीस रखी है और आगे इन फ्यूचर आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलने वाली है। सो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी जितना भी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, चॉइस प्रिफरेंस कैसे भरना है, ये भी चीजें मैंने बता दी। चॉइस प्रिफरेंस के सामने आपके सामने तीन इंटरफेस खुल के ओपन होंगे, ठीक है? एक आपको पहले नंबर पे कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में कोर्स सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज के बाद उसके बाद में आपको क्या होगा, सीट सेलेक्ट करनी होगी कि आप नॉर्मल सीट चाहते हैं पेड सीट चाहते हैं। ये करने के बाद में एड चॉइस का ऑप्शन आता है, एड चॉइस करके आपको फाइनल सबमिट करना है। वो कल 5 बजे के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो 5 बजे से पहले चॉइस लोग कल आपका नहीं होगा, तो उसके बाद ही करना है, ठीक है? कल या फिर परसों 5 बजे भी हो सकता है, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद ही चॉइस प्रिफरेंस है वो आपका लॉक होता है। तो ये चीज क्लियर कर लेना। बाकी आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलिए अगर पेड की नीड है तो पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल, माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।